नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से, डरावने से, बिल्कुल अलग से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की स्टोरी है वो बिल्कुल अलग सी घटना है, नेक्स्ट लेवल की। मतलब वैसी घटना अगर किसी छोटे बच्चे के साथ कभी घटती है तो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। एक अंजलि नाम की लड़की के साथ ये घटना घटी थी जब वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। आखिर क्या हुआ था वो सब कुछ आप लोगों को निखिल बताएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं दरअसल अपना थोड़ा सा प्रमोशन करना चाहता हूँ। प्रमोशन कुछ ऐसा है कि ब्लडी सत्य की हम बात करें तो ब्लडी सत्य के वीडियो आप लोगों को दिन में देखने को मिलेंगे। दोपहर में 2 बजे ब्लडी सत्य के वीडियोस आ जाएंगे। आप लोग मस्त उस चैनल में जाके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम का थोड़ा ग्लिच हो रहा था ब्लडी सत्य और ब्लडी टैक्स का, इसीलिए ब्लडी सत्य का हमने आफ्टरनून कर दिया और ब्लडी टैक्स के आप लोगों को ये टाइमिंग पे देखने को मिलेंगे। कुछ नया शुरू हुआ है ब्लडी सत्य की दुनिया के साथ, जो कि इवनिंग के टाइम में 6 से 6:30 के बीच में आप लोग गेमिंग वाले वीडियो देखने मिलेंगे। डेली होगा ये सब कुछ, हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ। इसलिए अब आप लोग अच्छे से टाइम दे सकते हैं हमको और हम लोग भी आप लोगों को बहुत अच्छे से टाइम दे पा रहे हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी आज से कुछ साल पहले की, कुछ साल पहले इन द सेंस 12-13 साल पहले की, जब एक अंजलि नाम की लड़की राउरकेला की रहने वाली, जो कि उड़ीसा का एक शहर है, 2 साल के आसपास की रही होगी। किसी वजह से इसके माता पिता का डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स हुआ तो डिवोर्स के बाद ये जो बच्ची अंजलि अपनी माँ के साथ रहने लगी। अब जो माँ थी वो एक हाउसवाइफ थी और डिवोर्स होने के बाद उनको एक नॉर्मल सा जॉब मिला। पिताजी दूर हो गए तो घर का पालन पोषण करने के लिए माँ एक छोटे घर में अपनी बेटी को लेकर शिफ्ट हो गई। ये घर छोटा था, काफी छोटा, एक कमरे का घर था, दोनों अपने इसमें जीवन का व्यापन कर रहे थे। अब एक बार की बात है, जब इसकी उम्र यही कोई 3 साल के आसपास की रही होगी, इनके घर के सामने एक औरत रहती थी। उस औरत की ना डेथ हो जाती है। डेथ कैसे होती है पता है आप लोगों को? वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद वो प्रेग्नेंसी में, मतलब डिलीवरी के टाइम पे वो मर गई। अच्छा, ये तो बहुत गलत है और ये टाइम वाली औरतें बहुत खतरनाक होती है अगर मरती है तो। बिल्कुल, आसपास के लोग भी यही बात करने लगे, बोले कि इसकी ऐसे टाइम में मौत हुई है, देखना ये एक तरह की मतलब चुड़ैल होती है, वो बन जाएगी। तो बहुत सारे लोग इस चीज पर विश्वास करते थे, तो बहुत सारे लोग बोलते थे तुम पागल हो गए हो, किसी की मौत हो गई और तुम ऐसी बात करते हो। तो मतलब अलग अलग धारणाएं लोगों ने बनाए हुए थे, सबकी अपनी अपनी सोच, जितने सोच जितने दिमाग जितना जुबान उतनी बातें, ऐसा चल रहा था। दरअसल जो अंजलि थी ना, इसको इसकी माँ ने बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनी हुई थी। भले ये 3 साल की थी लेकिन अब इंटेलिजेंट हो चुकी थी, क्योंकि अकेले जिंदगी बिताना था ना। जो अकेले रहते हैं वो खुद से चलना फिरना और खुद खुद के लिए सोचना स्टार्ट कर ही देते हैं, छोटे हो या बड़े हो। स्ट्रांग हो गई थी बहुत ज्यादा। तो अभी माँ का क्या सिस्टम था कि वो ना ऑफिस भी जाया करती थी, तो वो पूरा जो दिन का टाइम था ना, वो दिन के टाइम में अंजलि अपने घर पे अकेले रहा करती थी। अब जो अंजलि के पिताजी थे, जिनका डिवोर्स हो गया था अपनी पत्नी के साथ, वो भी घर में कई बार आते थे, मिलते जुलते थे, कई दिन मतलब वहां पे बिताते भी थे, वहां पे फिर जाते थे मिलजुल के। अब क्या होता है, जब वो मोहल्ले में उसकी डेथ हुई ना, तो बहुत सारे लोग तो ऐसी बात करने लगे, तो कुछ लोग बोलते थे कि उनके घर के आसपास जाना मत, जो उनके घर के आसपास जाते हैं ना उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब ये तो बच्ची थी, इसको क्या इतना समझता है। एक दिन खेलते खेलते उनके घर के अंदर ना वो जो आंगन जैसा रहता है वहां पे इसकी बॉल चली गई। बॉल लेने को गई और इसको ना अजीब सी फीलिंग आई। ये फीलिंग को एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाई क्योंकि काफी टाइम पहले की बात है, बहुत छोटी भी थी, तो इसको ना कुछ अजीब लगा था। इसको ये बहुत अच्छे से याद है, जैसे याद रहता है। मुझे भी बचपन में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, बहुत बचपन में, जब मैं 4-5 साल का रहा होगा, मेरे को याद है, हल्की हल्की सी फीलिंग याद है। वो याद रहती है, बहुत सारी चीजें होती है जो 3 साल 2 साल के रहो तब भी आपको याद रहती है बड़े होने के बाद। हाँ, तो इसको वो अजीब फीलिंग आई थी। खैर, ये अपने खेल में व्यस्त हो गई। उसके बाद उसी रात को इसकी मम्मी और ये अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक से इसको वॉशरूम आई। ये मम्मी को उठाना ठीक नहीं समझी, छोटी थी लेकिन समझदार थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ये उठ के बाहर की तरफ चले गए अपने वॉशरूम की तरफ, और जब वापस से अपने कमरे में सोने के लिए आ रही थी, तो ना इसे इनके कमरे के सामने तरफ जो मेन दरवाजा था वहां पे कुछ सफेद सफेद सा ऐसा साया सा दिखा। इसने ज्यादा माइंड नहीं की, इसने सोची कई बार होता है कि नींद से अभी अभी उठी हूँ और ऐसा धुंधलापन आ जाता है ना आँख के सामने, ये वही मुझे दिखाई दे रहा है। इसने ज्यादा माइंड नहीं की और वापस से जाके सो गई। ये ज्यादा चीजों से डरती भी नहीं थी, बच्ची स्ट्रांग थी बहुत ज्यादा, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ। अब ये सोई, इसको लगभग 1 घंटे बाद बहुत बुरी तरह से बुखार आया। ये पूरी ऊपर से नीचे तक कांपने लगी। माँ को लगा कि शायद ठंड की वजह से हो रही है, उसको 3-4 कंबल ऊपर से उड़ा दी
और माँ भी सो गई, लेकिन इसकी जो कपकपाहट थी वो कम नहीं हुई। दिन का वक्त आया, दिन में भी बुखार काफी ज्यादा था। माँ ने बोली बेटा स्कूल मत जा, स्कूल नहीं गई, घर पे रही। माँ अपना काम करने के लिए चली गई। अब उस जमाने में ये लोग बहुत ज्यादा मतलब पुअर थे, गरीब थे। हाँ, हाँ। क्योंकि अब जैसा भी हो, माँ हाउसवाइफ थी पहले और अभी जॉब लगा था, अभी अपने घर को संभालने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक से डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं थे। तो माँ ने सोची कुछ दिन ऐसे रहेगी और ठीक हो जाएगी ना, ठीक हो ही जाएगी। होता है, होता हाँ, है ऐसा। होता है, जो लोग मतलब उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहते उनको चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये लोग भी एडजस्ट कर रहे थे। इस तरह से 2-3 दिन और बीते, इसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पहचान वाले नॉर्मल डॉक्टरों से, ऐसे जो होता है ना कई बार हम लोग दवाई लेते जाके, अच्छा आसपास के जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं उनसे ले लेते, तो ऐसे दवाई ले लिए, खिलाए, आराम मिल नहीं रहा था। अब सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई कि जब माँ ऑफिस जाती थी ना, तो इसको दीवार से ना कुछ निकलता हुआ दिखाई देता था चेहरे जैसा। छोटी बहुत थी, 3 साल की थी ना, तो मतलब क्लियरली वो समझ नहीं पाती थी कि क्या निकल रहा है। कुछ निकलता था, उसकी पूरी इंसानों जैसे आकृति तो नहीं होती थी, लेकिन वो घुटने के बल इसकी तरफ बढ़ता था। इसको केवल एक चीज याद है कि वो जो भी चीज थी उसके लंबे लंबे नाखून थे और घुटने के बल इसकी तरफ बढ़ते थे, और जब वो इसकी तरफ बढ़ते थे तो इसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगता था, जैसे जब बहुत ज्यादा ठंड लगने के बाद होता है। ये बहुत ज्यादा डरती थी और फिर अचानक से ये आंखें बंद कर लेती थी और इसकी नींद लग जाती थी। ये इसके साथ काफी समय तक होते रहे। इसने अपनी माँ को बताई और एक दिन पिताजी मिलने आए, तो पिताजी को भी सारी बात पता चली। तो उन्होंने बोले कि यार एक काम करेंगे, जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं होती मैं यहीं पे रुकता हूँ। तो वो भी रुकने लगे, तो वो उनके चेस्ट के ऊपर सोती थी, मतलब डर के मारे कि वो चीज़ फिर से निकलेगी रात के समय। तो कई बार ऐसा होता था कि एक आकृति आती थी, औरत जैसी आकृति जिसके लंबे लंबे नाखून रहते थे, इसको गोद में उठाने की कोशिश करती थी, और कई बार उसने इसको गोद में भी उठाई। हाँ, और जब इसको गोद में उठाती थी, जिस दिन भी इसके साथ ये होता था उस दिन इसको बहुत तेज फीवर हो जाता था, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती थी इसकी काफी दिनों तक। अब पिताजी आ गए, डॉक्टरों के पास भी गए, पैसे भी आ गए थोड़े, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन चीजों में आराम नहीं मिल रहा था। दिनों दिन हालत बद से बदतर होती जा रही थी, खाना पीना सब त्याग दी थी, वजन बहुत तेजी से गिरने लगा था। अब टेंशन वाली बात है, बोले अब क्या करें। तो इनके एक दूर के मामा, अंजलि के दूर के मामा मतलब माँ के एक दूर के भाई, उनके शरीर में ना माता आती है। माता आना आप लोग समझते ही होंगे, सब लोग जानते हैं इंडिया के। तो उनके ना शरीर में माता आती थी, तो बहुत सारे लोगों ने बोले कि तुम अपने भाई से क्यों नहीं ये चीज़ डिस्कस करते। मैंने बोली ठीक है यार। कुछ दिनों बाद दुर्गा पूजा शुरू हुई, तो ये अपनी बच्ची को लेके अपने मामा के घर पे गए, अपने मतलब भाई के घर पे गए। तो उस समय ना उनकी बैठक लगी हुई थी, मतलब उनके शरीर में माता आई हुई थी। वो जैसे ही अपनी भांजी को देखे, तुरंत ऐसा बोल दिए कि इसके शरीर में चुड़ैल का साया है, इसको चुड़ैल अपने साथ लेके जाना चाहती है, और वो दिन दूर नहीं है, जिस दिन काली पूजा होगी उस दिन इसका आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। तो मतलब ये बात जब एक माँ सुनेगी तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, जिसका हाल ही में तलाक हुआ, उस औरत के माता पिता भी नहीं थे, मतलब क्या बीतेगी उसके ऊपर। तो ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते कहती है कि मेरा तो सब कुछ चले गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब बेटी भी जाने वाली है। तो वहाँ पे जितनी भी औरतें थी वो सब कुछ, सब लोग इसकी बातें सुनकर ऐसे रोने लगी। तो फिर कोई एक बुजुर्ग महिला थी, बुजुर्ग महिला ने बोली कि एक काम करो कि तुम अपनी बेटी को ना माँ दुर्गा के लिए समर्पित कर दो, समर्पित कर दो, और जो भी होगा अच्छा वही इसके साथ होगा। तो क्या होता है कि उसको ना, बच्ची को, अंजलि को, जो माता आई हुई थी मामा को, उनके सामने लिटा दिया जाता है। इसे कुछ याद नहीं, उसके बाद ना इसका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। सब लोग ने टच वच करके देखे, शरीर पूरा ठंडा, सब लोग डर गए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब उसके ठीक 2 या 2.5 घंटे बाद इसको वापस से होश आया। अब सब लोग अब रोए हंसे कि क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या अभी हमारी बच्चे के साथ, अचानक से इस तरह से सो गई, शरीर ठंडा पड़ गया, और ये एक अच्छी निशानी नहीं होती है शरीर ठंडा पड़ जाना, मतलब इंसान शायद बचा नहीं गया इंसान। हाँ, तो अब वो आंखें खोली और उसने क्या बताई पता है, कि मैं जब ऐसा यहाँ पे आके लेटी कुछ समय बाद, मेरे आंखों के सामने एकदम सफेद सफेद रोशनी आई। सफेद सफेद रोशनी में से माता दुर्गा जैसी ही एक औरत निकली। उन्होंने मुझे गोद में ली और बहुत देर तक मेरे सर पे हाथ फेरी, मुझे प्यार की, मुझे खिलाई, और उसके बाद एक मुस्कुराहट के साथ वहां से चली गई। सपने में मतलब उस आकृति ने ऐसा नहीं बताया कि मैं माँ दुर्गा हूँ, लेकिन वो बच्ची को ऐसा ही फील आ रहा था कि ये माँ दुर्गा है।
मतलब देखने में उसको ऐसा लग रहा था जो हाँ, फील जो इमेजिन कर पा रही थी वो वैसा ही वो दुर्गा जी को फील कर पा रही थी। हाँ। तब का दिन था और आज का दिन है, आज तक उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आज एकदम भली चंगी बहुत स्वस्थ मस्त है अपनी लाइफ में। मतलब सोचो एक छोटी सी बच्ची मर जाती अगर टाइम पे उसको नहीं बचाया जाता, और माँ दुर्गा ही थी जो उसको बचाई, और माँ दुर्गा ही है माँ आदिशक्ति जो इस पूरी दुनिया को चला रही हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकती हैं। चलिए अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसी लगी ये कहानी। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है जो पूरी दुनिया को आप बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम दोनों की आप लोग क्लिक करके वहां पहुंच सकते हैं और अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी हमें लिख के भेज सकते हैं। हमें पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इस तरह के हैरान कर देने वाली यूनिक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। चलिए फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।